चिंगारी, जोश है और जुनू है और जज्बा है चिंगारी, सारा जहां दीवाना मुट्ठी में दुनिया सारी, जोश है और जुनू है और जज्बा है चिंगारी। सुबह सुबह नाम हमारा, हम में भी कुछ बात है, जो ठान लिया वो कर जाना है, उसमें ही कुछ खास है। ख्वाबों को हकीकत के रंगों से सजाना है, हर रंगी हकीकत को फिर से पंख लगाना है। मंजिले पीछे हम हैं, आगे हमसे सारा जहां, जहां देखो अपना जलवा, हम दुनिया के बादशाह। दिलकश है अंदाज हमारा, यारों हम कमाल है, लोग मिसालें देते अपनी, हमको बेमिसाल है। नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर, आइए नजर डालते हैं आज के खबरों पर। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र इलाके में एक बेरहम भाई ने पुलिस प्रशासन से मिली भगत कर अपनी बेबस बूढ़ी बहन का आशियाना तुड़वा कर बहन को सड़क पर रहने को मजबूर कर दिया है। मामला पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों तक पहुंचा तो बेरहम वकील और भतीजों के विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है। पीड़ित बहन न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। ये नजारा है मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन्स इलाके की इंदिरा कॉलोनी का। सड़क किनारे मलबे में तब्दील हुआ ये घर और मलबे के नीचे दबा घर का यह सामान चीख चीख कर इस कलयुगी वकील भाई वासुदेव शर्मा की शर्मनाक हरकत की दास्तां बयां कर रहा है, जिसने अपने पिता के घर में पिछले 30 वर्षों से रह रही बूढ़ी बहन कृष्णा के घर पर पुलिस से मिली भगत कर पुलिस की मौजूदगी में घर पर जेसीबी मशीनें और मजदूरों द्वारा मलबे में तब्दील कर अपनी बहन को सड़क किनारे रहने को मजबूर कर दिया है। चेहरे पर झुर्रियां और खौफ, आंखों में गम के आंसू बहा रही ये बदनसीब बूढ़ी कृष्णा देवी हैं, जिनकी शादी देवबंद के सुभाष चंद्र शर्मा से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही सन 1990 में कृष्णा शर्मा के भाई पेशे से वकील वासुदेव शर्मा अपनी बहन कृष्णा शर्मा और अपने बहनोई सुभाष चंद्र शर्मा को ससुराल से अपनी बहन के हिस्से में आए 50,000 और 10 तोले सोना लेकर अपनी कृष्णा बहन को अपने मुजफ्फरनगर स्थित घर में रहने की इजाजत दे दी। कृष्णा शर्मा की 4 बेटियां हैं जिनकी शादी हो गई है, जिनमें एक शादीशुदा बेटी अपनी मां कृष्णा के पास रहती है। वर्ष 2005 में कृष्णा के सर से पति सुभाष चंद्र शर्मा का साया भी छीन गया था, जिसके चलते कृष्णा शर्मा स्कूल में मेहनत मजदूरी कर अपना गुजर बसर कर रही थी। वहीं कृष्णा का भाई वासुदेव शर्मा पेशे से वकील अपने परिवार के साथ हरियाणा के करनाल जनपद में रहता है। कृष्णा की माने तो कृष्णा का अपने भाई वासुदेव से घरेलू हिंसा और प्रॉपर्टी विवाद का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कृष्णा के 4 भाइयों की प्रॉपर्टी में वासुदेव शर्मा के हिस्से में मकान में कृष्णा देवी रहती है। कृष्णा देवी का आरोप है कि हमें घर से निकालने के लिए वासुदेव ने अपने घर में पानी की लाइन बंद करा दी, फिर बिजली विभाग से अपनी बहन की बिजली कटवा दी, जिसके चलते कृष्णा के भाई वासुदेव ने नगर पालिका से सांठगांठ करके अपने पुराने घर के सड़क की ओर निकले छज्जे को गिराने की परमिशन करा ली, जिसकी कृष्णा शर्मा को कोई सूचना नहीं दी गई और पुलिस की मौजूदगी में छज्जे के साथ साथ पूरे घर को तुड़वाकर मलबे में तब्दील कर दिया गया। कृष्णा के घर में रोजमर्रा की जरूरत का सामान सभी मलबे में दब गया। इस पूरे मामले की जानकारी जब प्रशासनिक अधिकारियों को मिली तो मौके पर जाकर जांच की गई, जिसमें पीड़ित कृष्णा की ओर से उसके भाई वासुदेव शर्मा और भतीजे विकास शर्मा सहित 5 लोगों के विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। भाई मेरा सारा मकान तोड़ दिया, म्युनिसिपल से ऑर्डर ला के, कैसे उन्हें मिल गए, जब मैं बिजली लेने जाऊँ तो मुझे क्या कोर्ट से ऑर्डर आएंगे, उन्हें मेरा मकान तोड़ने कैसे ऑर्डर में, ना कोई सूचना ना कुछ, मैं ड्यूटी पर थी, मैं घर भी नहीं थी और मेरा मकान सारा तोड़ दिया। सामान जब टूट गया, ऊपर से सारा मकान तोड़ दिया, टूट गया, जब वो बाहर रखा टूटा फूटा। मैं सन 90 से रह रही, मेरे भाई का मकान, भाई का क्या, पिताजी का मकान था, इन्होंने जाए किसी तरह से सनत से मैं कर लिया होगा अपने नाम अपने आप ही। अच्छा, मेरे कोई साइन नहीं है उसमें जायदाद में पिताजी के, और जो है मकाम देवबंद मेरे ससुराल है, वहाँ से जो है 30,000 रुपये 10 तोले सोना लाया था, फिर इसने जो है वहाँ पर का मकान का बिकवा दिया, 5वां हिस्सा दिया 20,000 में, क्योंकि मेरा हिस्सा तीसरा बैठा था,
20,000 में बेबीस ने रख लिए। अब ना मेरा जेवर दे रहा, ना मेरे पैसे दे रहा, मकान से भी तोड़वा दिया, ना रह देता, क्या करूँ मैं अकेली औरत, क्या करूँ। मैंने अपनी बेटी रख रखी, जवाई कभी कभी आ जा तो उसके भी पीछे पुलिस लगा रखी। तो क्या जा रहा है? सगे भाई है मेरी, समदन ने कहा तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा, तुम्हारी बहन का सामान बाहर पड़ा। लुका हमें तो बहुत खुशी है, खूब मिठाई बांटी इन्होंने, खूब बर्फी बांटी, हमें तो बहुत खुशी है। पहले दी थी, अब नहीं दी थी, तोड़ने के वक्त नहीं दी, उससे पहले दी थी। क्या नुका था? ये तो मकान खाली कर दो, हम तोड़वा देंगे 10 दिन में। सोमवार को आई थी और ये काम कर दिया इन्होंने शनिवार में, और हम अजय माँ आपको जाए टाइम। इनका ये मेरे पास जब आई थी तो इनको काफ़ी मारपीट की हुई थी इनके साथ, तो फिर हमने इनके केस डाल लेते थे, एक तो मकान में रहने के लिए, और दूसरा हमने कि इनके भाई ने जो इनका सारा रुपया और इनका जेवर रखा हुआ है एक, उसके लिए हमने डाला था। तो वो हमेशा, क्योंकि वो वकील है इनका भाई दूसरा जो करनाल में प्रैक्टिस करता है, तो उस दिन से ही वो इनके पीछे पड़ गए कि हम अब खाली करा के ही दिखाएंगे मकान को और हर हालत में कराएंगे। तो पहले इनके दामाद को फंसाने की धमकी दी, पुलिस को साथ में लिया और दामाद को धमकी दी कि हम एक दिन तो पूरा दिन उसे बिठाए रखा थाने में ही, और फिर कहा कि अब हम तुम्हें जेल भेजेंगे या तो इसे खाली करा दे, पुलिस धमकी दे रही है। और ये उसके बाद फिर ये अब कल इन्हें ये कह के कि कोर्ट से ऑर्डर लिया या तो स्टे का और नहीं तो शाम तक मकान तोड़ेंगे, और पुलिस भी खुद ये धमकी दे रही है खड़ी होकर वहाँ। मैंने अधिकारियों से मैंने खुद भी बात की, मैंने कहा सर इस तरह से, एसपी क्राइम को मैंने कहा सर इस तरह से हो करे, तो पुलिस ने जाके थानेदार ने उन्होंने कहा नहीं साहब हमने तो बिल्कुल हमने कुछ नहीं किया, वो तो खुद उसके भाई तोड़ रहे हैं। जब पुलिस को इस बात की पता चल गई कि हाँ वो तोड़ रहे हैं तो भी तो रोकना चाहिए था, जब कोर्ट में केस पेंडिंग है और हाई कोर्ट की डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है कि आप किसी भी मकान को या किसी भी प्राइवेट पार्टी में मुकदमेबाजी में आप पार्टी नहीं बनेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। ये नगर पालिका द्वारा नहीं तोड़ा गया है, ये मकान जो महिला है उसके ही रिलेटिव हैं, उनका मकान है, उसके द्वारा छज्जा तोड़ने की आड़ में मकान को तोड़ने की कोशिश की गई। जैसे ही पुलिस के संज्ञान में ये मामला आया, पुलिस ने तुरंत इसको मकान को तोड़ने से रुकवाया गया और उस व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है, इसमें विधिक कार्रवाई चल रही है। देखिए इसमें विधिक कार्रवाई चल रही है और विवेचना के आधार पर इसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। जनपद मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें शहर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम प्रधान और वार्ड सभासदों को आमंत्रित किया गया और सभी क्षेत्रवासियों को अवगत कराया गया कि बच्चा चोरी की झूठी अफवाहें चल रही हैं, उस पर ध्यान न दिया जाए और जो भी इस तरह की झूठी अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो भी सूचना हो उसे मुजफ्फरनगर पुलिस के साथ साझा करें, मुजफ्फरनगर पुलिस 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर है। मीटिंग में सभी क्षेत्र के लोगों ने अपने अपने विचार रखे और पुलिस प्रशासन के कार्यों की सराहना की। शहर कोतवाल अनिल कपरवान ने सभी को विश्वास दिलाया कि पुलिस हमेशा जनता के साथ है और किसी भी अफवाह संबंधी कोई भी सूचना मिले तो उस पर तुरंत पुलिस को सूचना दे और कोई भी अपने हाथों में कानून को ना ले। आज जो बैठक ली गई, सभी थाना क्षेत्र में जितनी चौकियां पड़ती हैं उसमें जितने मोहल्ले हैं उनके संभ्रांत व्यक्तियों को बुलाया गया, सभी नोटिस व्यक्तियों को बुलाया गया कि इस संबंध में ली गई थी कि आजकल जो अफवाहें चल रही है बच्चा चोरी की, जगह जगह आप सुन रहे, आप भी लोग सुन रहे होंगे कि बच्चा चोरी हो गया, बच्चा चोरी हो गया, ये एकदम अफवाह है। इसको रोकने के ये प्रयास था हमारा मीटिंग बुला के, ताकि सभी लोग अपने अपने यहाँ से वापस जाके मस्जिदों से ऐलान करवा दें, मंदिरों से ऐलान करवा दें, अपने अपने मोहल्ले में मीटिंग कर लें और जाके ये सभी लोग बताएंगे कि ये सब अफवाह है, ऐसी कोई भी सूचना कहीं से भी नहीं है कि किसी तरीके का बच्चा चोर गिरोह घूम रहा है। दूसरा, आने वाला जो मुहर्रम जो आ रहा है इसके उपलक्ष्य में भी एक ये बताया गया था कि मुहर्रम में क्या सुझाव है, सभी लोग सुझाव लिए गए और उनको निस्तारण किया। सर कितने लोग आए? आज मीटिंग में करीब 100 लोग आए थे और जिनकी सबसे वार्ता हुई है, ये सभी लोग हमारे हाथ पांव हैं। जैसा कोई भी त्यौहार आता है, चाहे कांवड़ हो, दीपावली हो, ईद हो, ये सभी लोग हमारे साथ मीटिंग में आते हैं और इनसे हमारी विचार विमर्श होता है, कोई समस्या हो तो ये लोग बताते हैं हमें। और इस ज़िले में ये बड़ी अच्छी चीज़ है भी कि सभी लोग बहुत अच्छे ढंग से, पुलिस के साथ साथ ये लोग भी ड्यूटी देते हैं, सड़क पर खड़े होकर 12-12 घंटे ये लोग ड्यूटी देते हैं। हम लोगों से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इन लोगों का सहयोग रहता है किसी भी चीज़ को निस्तारण कराने में। इसी उद्देश्य को लेकर आज ये मीटिंग रखी गई थी, ताकि ये लोग सभी लोग अगर कोई घटना होती भी है तो उसको तुरंत पुलिस को सूचना दे, ताकि हम लोग समय रहते उसको।
जानसठ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया जबकि दो बदमाश फरार हो गए। जानसठ के खतोली मार्ग पर बलबा चौकी SSI सुनील नागर इंस्पेक्टर योगेश शर्मा चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान काली पल्सर बाइक सवार तीन युवक आते दिखाई दिए। पुलिस टीम ने रुकने का इशारा किया जिस पर पुलिस ने बदमाशों का बसायच रोड पर पीछा किया। दोनों तरफ से गोलियां चली। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई जबकि उसके साथी भागने में कामयाब रहे। घायल बदमाश संजय पुत्र राजू निवासी कल्याणपुरी दिल्ली है। इस दौरान इंस्पेक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि घायल बदमाश पर लूट डकैती के करीब एक दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश शातिर किस्म का लुटेरा बताया गया है। लूट के इरादे से ही चांदठ क्षेत्र में बदमाश लूट करने आए थे। घटनास्थल से काली पल्सर बाइक का आधा दर्जन जिंदा कारतूस व आधा दर्जन खोखे बरामद हुए हैं। इस दौरान इंस्पेक्टर योगेश शर्मा SSI सुनील कुमार नागर CO सौमेंद्र कुमार नेगी पुलिस टीम के साथ मौजूद रहे। ये बलवा चौकी पे चेकिंग चल रही थी SSI जानसठ SI संजय और ये इनके और हमराही कर्मचारी वहाँ पर चेकिंग कर रहे थे। तभी जानसठ की तरफ से तीन व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आए हैं। पुलिस ने उनको रोका है तो उन्होंने जो है पुलिस पर फायर कर दिया और वापस अपनी मोटरसाइकिल जानसठ की तरफ मोड़ दी। पुलिस ने पीछा किया तो उन्होंने बसाइच वाली रोड पर अपनी मोटरसाइकिल डाल दी और आगे जाके उनकी मोटरसाइकिल रपट गई। जी सर, वहाँ पर भी फिर उनने पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने अपनी सुरक्षा की उसमें जब फायर किए हैं तो एक बदमाश के पैर में गोली लगी और दो बदमाश ईख के खेतों में चले गए। काफ़ी उनको ढूंढा गया, अब भी उनकी कॉम ढूंढा जा रहा है कॉम्बिंग करके, लेकिन उनका पता नहीं लग पाया है। एक बदमाश जो घायल हुआ है उसे अस्पताल प्राथमिक उपचार के लिए भिजवा दिया गया। उसका नाम क्या है सर? उसका नाम है संजय सोनप राजू, ये कल्याणपुरी दिल्ली का रहने वाला है। ठीक है सर, बाकी इसकी पता की जा रही है। इस पर करीब 11 मुकदमे हैं और बाकी डिटेल्स इसके संबंध में पता की जाए। ठीक है। जानसठ कस्बे के प्राचीन महाभारत कालीन ज्ञानेश्वर महादेव मंदिर के सौंदर्यीकरण को लेकर खतौली विधायक ने जल निगम कंस्ट्रक्शन एवं डॉक्यूमेंट सर्विस टीम के साथ मंदिर का इतिहास जाना व सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों रुपए सिर्फ सौंदर्यीकरण कराने को योजना बनाई। मंगलवार को खतौली विधायक विक्रम सैनी ने विधानसभा के जानसठ कस्बे में पड़ने वाले प्राचीन महाभारत कालीन ज्ञानेश्वर महादेव मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए जल निगम कंस्ट्रक्शन एवं डॉक्यूमेंट सर्विस के स्थानीय अभियंता अर्जुन सिंह के साथ मंदिर का इतिहास के बारे में जानकारी कर मंदिर के सौंदर्यीकरण को लेकर मंदिर समिति के अध्यक्ष प्रवीण कुमार व अन्य सदस्यों से वार्ता की तथा विधायक विक्रम सैनी व अर्जुन सिंह ने शिवलिंग के दर्शन कर जलाभिषेक भी किया। खतौली विधायक विक्रम सैनी ने बताया कि सरकार द्वारा प्राचीन स्थलों को डिपार्टमेंट कर पर्यटन को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है, इसके चलते मंदिर सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। लखनऊ से आए अभियंता अर्जुन सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के प्राचीन मंदिरों व अन्य स्थानों के सौंदर्यीकरण पर पर्यटन को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है, जिसके चलते मंदिर के इतिहास अन्य बातों की जानकारी कर मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है जिसमें करोड़ों रुपए से मंदिर का विकास कार्य किया जाएगा। इस दौरान मंदिर समिति के अध्यक्ष प्रवीण कुमार, मुकेश शर्मा, सतीश खटीक, सभासद विकास गुप्ता, दीपेश गुप्ता, मनोज वर्मा, राजू भैया वाल्मीकि, बार संघ के सचिव ज्ञानचंद सैनी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटक स्थल बनाने की योजना है। जो हमारे पौराणिक स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है, उन्हें सरकार द्वारा सौंदर्यीकरण उनका तो ऐसा कि बहुत सुंदर, जिसे लगे कि हाँ ये कोई पर्यटक स्थल है, धार्मिक स्थल है और आने को लोगों का मन करे ऐसा। बाकी हमारे स्थलीय स्थानिक अभियंता हैं वो बताए। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पर्यटन संवर्धन योजना चलाई है जिसमें प्रदेश में समस्त विधानसभाओं में एक पर्यटन केंद्र बनाना है हमको, और वो पर्यटन केंद्र जो बनाना है माननीय वहाँ के जो विधानसभा के माननीय विधायक जी है उनसे समन्वय स्थापित करते हुए जहाँ वो चाहेंगे वहाँ पे बनाया जाएगा। और ये जो स्थान हो सकता है वो धार्मिक भी हो सकता है और ऐतिहासिक भी हो सकता है। तो जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ, मतलब महादेव जी का मंदिर है, तो ये धार्मिक भी है और ऐतिहासिक रूप से भी इसका बहुत महत्व यहाँ के मुझे स्थानीय लोगों ने बताया है। और मेरा मानना है कि इसको बहुत अच्छे से डेवलप किया जाएगा और पूरा संपूर्ण विकास जो एक टूरिज्म पैलेस का होता है उसको उस स्तर से ही बनाया जाएगा।
जनपद सहारनपुर के मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव कड़ाईवाला में एक मासूम बच्चे की दिमागी बुखार से मौत के बाद भी स्वास्थ्य विभाग नहीं जागा है। उक्त गांव में अभी भी जहां एक दर्जन से अधिक बच्चे व बड़े बुखार की चपेट में हैं, वहीं गांव में सफाई न होने की वजह से गांव की गलियां गंदगी से अटी पड़ी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र साडोली कदीम में पड़ने वाले मिर्जापुर के गांव अकबरपुर बांस उर्फ कड़ाईवाला में इस समय बुखार ने अपने पांव तेजी से पसार रखे हैं। बालेंद्र, मछलास, शिवानी, रोहित, सौरभ, अमृत, राधा, रिंकू, सागर, टिंकू, नैना, तन्वी व सुनील बच्चे व बड़े एक दर्जन से अधिक लोग बुखार की चपेट में हैं। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि देशराज का कहना है कि इस समय बुखार का मौसम है, इसलिए गांव के काफी लोग बुखार की चपेट में हैं। लेकिन गलियों में फैली गंदगी से बुखार का कोई संबंध नहीं है। ग्रामीण विपिन, रिंकू, प्रदीप, बिशनपाल, बारिंद्र, अनिल व पूर्व प्रधान राजकुमार का कहना है कि गांव में सफाई कर्मी न होने से गलियों की सफाई नहीं हो पा रही है, जिसके चलते गांव की नालियां गंदगी से अटी पड़ी हैं, जिसके चलते गांव में संक्रामक रोग बुखार तेजी से पांव पसार रहा है। सीएससी बेहट के प्रभारी डॉक्टर नितिन कदवाल से संपर्क का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। जनपद सहारनपुर में प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के सदस्यों ने हकीकत नगर मैदान में धरना प्रदर्शन किया। धरने को संबोधित करते हुए अध्यक्ष इंजीनियर सीपी सिंह ने कहा कि परिषद काफी दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन करता आ रहा है, लेकिन उनकी समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। धरने के उपरांत पुरानी पेंशन बहाली, वेतन विसंगति को दूर कर केंद्र के समान मकान किराया भत्ता, फील्ड कर्मचारी को मोटरसाइकिल भत्ता, कैशलेस चिकित्सा सुविधा सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रेषित किया गया। धरने पर नेत्रपाल सिंह, रामकिशोर, आलोक, विनोद कुमार, अमरपाल सिंह, आरपी काम्बोज, विजेंद्र कुमार, सरदार सिंह, सुंदरलाल, राजकुमार, वीके जैन, राजेश कश्यप, सीपी तोमर, केपी सिंह, सतीश कुमार, तपेंद्र सिंह, अशोक पाल आदि मौजूद रहे। संचालन अशोक कुमार मलिक व अध्यक्षता सीपी सिंह ने की। धरना जो है 11 सूत्रीय मांग पत्र है जिस पर हम लोग का धरना है, जिसमें मुख्यतः पुरानी पेंशन बहाली और जो है कैशलेस इलाज और कुछ विसंगति है कई 2006 से लागू जो नहीं की सरकार ने, उन पर हमारा आज का धरना कार्यक्रम है ताकि सरकार लागू करे। नहीं लागू होते तो क्या करें? लागू करने के लिए है जो विसंगति समिति ने रिपोर्ट दी उसमें से जो है सरकार ने दबाए बैठी है उसे निकाले और तब उसको लागू करे सरकार। नहीं लागू हुई तो क्या करें? नहीं लागू हुई तो हम अगले प्रांत से जो हमें निर्देश मिलेंगे हड़ताल जो भी होगा वो हम आगे उस प्रांत के नेतृत्व पर हम उसे आगे लागू करेंगे। ये हमारी मांग है। आज का धरना आज सिर्फ एक दिन का है जो 11 बजे से 3 बजे तक यहाँ धरना। देवबंद कोतवाली क्षेत्र के गांव रणसुरा में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका विवाहिता के परिजनों ने पति समेत अन्य ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कोतवाली में दर्ज मुकदमे में पति सहित 5 को आरोपी बनाया है। 3 दिन पूर्व गाजियाबाद से पति के साथ जन्माष्टमी के अवसर पर ससुराल आई विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आरोपी के ससुरालियों ने विवाहिता को जहर देकर उसकी हत्या कर दी है। हत्या की सूचना पर मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर से गांव पहुंचे विवाहिता के पिता परवीन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी बनाए गए ससुरालियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। मृतका स्वीटी का विवाह 11 वर्ष पूर्व रणसुरा गांव निवासी दीपक के साथ हुआ था। आरोपी की बच्चे न होने के चलते पिछले काफी समय से स्वीटी को परेशान किया जा रहा था। मृतका स्वीटी का पति दीपक गाजियाबाद में इंजीनियर है। जो संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत की सूचना पर तत्काल देवबंद थाने की पुलिस को भेजा गया और जानकारी हुई कि उनकी मौत हो गई। उसके बाद जो पुलिस की प्रक्रिया है उसके तहत उनको पंचायतनामा पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई की गई, उनके परिजनों को सूचना दी गई। परिजनों के द्वारा अपनी बेटी स्वीटी के निधन और मृत्यु के कारण जो बताए गए हैं वो FIR में मेरे द्वारा निर्देश देकर पंजीकृत करा दिया गया है और उसके गुणदोष के आधार पर विवेचना जारी है। जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। कितने आरोपी बनाए गए हैं? इसमें 5 लोग अभी आरोपी बनाए गए हैं और अभी विवेचनाधीन है।
सर परिजनों का आरोप है कि उसको बच्चे नहीं होते तो इसलिए उसकी हत्या की गई। ये प्रश्न उन्होंने उठाया है, लेकिन इस प्रश्न पे हम इतना ही कहेंगे कि ये विवेचना जब होगी तब ये बात सही और तथ्य प्रकाश में आएंगे कि क्या मामला है। एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव के निर्देशन में चरथावल थाना प्रभारी सूबे सिंह ने बच्चा चोरी या अन्य अफवाहों पर अंकुश लगाने के लिए क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ बैठक की। थाना प्रभारी ने क्षेत्र के सम्मानित लोगों से गांव में भीख मांगने वालों व फेरी आदि लगाने वालों की जांच करने के साथ संदिग्ध लोगों की सूचना पुलिस को देने में सहयोग की अपील की, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। मीटिंग में मौजूद ग्राम प्रधानों को गांव में अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों से अफवाह से बचने की अपील करने के लिए भी कहा गया। अफवाह फैलाने वाले शरारती तत्वों को चेतावनी देते हुए चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई की बात भी कही गई। बागपत जिले के बिनोली थाना इलाके में दस दिन पूर्व खेतों में रखवाली करते वक्त हुई एक किसान की निर्मम हत्या की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। किसान का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका सगा छोटा भाई ही निकला, जिसने जमीन के बंटवारे को लेकर अपने बड़े भाई की भाला घोंप कर हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गया था। फिलहाल पुलिस ने हत्यारे भाई को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त भाला भी बरामद कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि मामला बिनोली थाना क्षेत्र के बीजवाड़ा गांव का है, जहां 16 अगस्त की रात को किसान पदम सिंह अपने खेतों पर बैंगन की फसल की रखवाली करने के लिए गए हुए थे और वहां पर उनकी भाला घोंप कर हत्या कर दी गई थी। मृतक का बेटा नीटू जब सुबह खेतों में काम करने के लिए गया तो वहां उसके होश उड़ गए, क्योंकि खेत पर उसके पिता का खून से लथपथ शव जमीन पर पड़ा हुआ था और उसकी कुछ दूरी पर हत्या में प्रयुक्त भाला भी पड़ा हुआ था। वहीं हत्या की वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वारदात की तफ्तीश में जुट गई, जिसके चलते पुलिस ने हत्या की वारदात का खुलासा किया। हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मृतक के छोटे भाई सुरेंद्र ने ही जमीन के बंटवारे को लेकर की थी और हत्या में प्रयुक्त भाला भी झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गया था। ये बिनोली थाना अंतर्गत एक गांव बिजवाड़ा है, इसमें 16/17 अगस्त की रात को एक हत्या हुई, जो कि अज्ञात में जिसको दर्ज किया गया पदम सिंह नाम के 62 वर्ष के आयु के व्यक्ति की हत्या हुई थी। बहुत ब्रूटल मर्डर था, इसमें काफ़ी धारदार और नुकीले हथियारों से वार किया गया था। तब से हमारी टीम लगी हुई थी कमिश्नर साहब के नेतृत्व में और जो हमारे सीओ साहबान हैं वहाँ पर, सीओ साहब और जो थाना अधीक्षक के नेतृत्व में लगे रहे। इसमें जो अभी चीज़ें खुल करके सामने प्रकाश में आया, इसका सगा भाई है, उसी ने इसकी हत्या की थी काला, और मेन इसका मोटिव जो था हत्या करने के पीछे वो जमीनी विवाद था, क्योंकि जिसने हत्या की है उसकी शादी नहीं हुई है और उसका कहना ये था कि मेरे हिस्से की ज़मीन भी मेरे पिता ने मेरे भाइयों को दे दिया, उनको बेच बेच करके दे रहा था, और जब मैं उसकी मांग करता था तो ये सब मुझे बेरहमी से पीटते थे। उस दिन भी इनका कुछ आपस में झगड़ा हुआ था, मारपीट भी हुई थी, कुछ जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उन्होंने इसको मारा था या गाली दी थी, तो इसने क्रोध में आकर के बल्लम से उन पर वार किया और बाद में फिर लाठी से भी उन पर वार किया था। उन्होंने बताया कितनी जमीन का विवाद है और ये जो हत्यारूपी है क्या करता है? हत्यारूपी मजदूरी करता है और कोई इसका बधा हुआ पेशा नहीं है, घूमता रहता है यहाँ वहाँ, गाँव में कम ही रहता था, ज़्यादातर गाँव के बाहर ही रहता था, बीच बीच में आता रहता था, लेकिन इसको जब भी आता था तो घर वाले अपमानित करते थे या भगा देते थे, मारपीट करते थे, जिससे छुप धोकर के उसने इस घटना को कर। जमीन कितने बीघा का विवाद है? ये टोटल 5 भाई हैं, इनके पास कुल 60 बीघे के आसपास की ज़मीन थी, 60 बीघे में जो भी इनके हिस्से में आती हो, लेकिन इसको दिया नहीं गया था, कोई भी ज़मीन इसको मिली नहीं थी, इसी बात से ये आक्रोशित था। थैंक यू। हलचल इंडिया में आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए हलचल इंडिया।